नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। अक्सर कोई गिफ्ट अगर आप देते हैं किसी को तो बहुत कम या मुझे लगता है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा कि आपने वो गिफ्ट वापस ले लिया हो, अंटिल अनलेस की कोई ऐसी बात ना हो जाए। हालांकि हमने देखा है कि कई बार लड़ाई झगड़ों में जो कपल्स होते हैं वो अपने गिफ्ट वापस मांग लेते हैं, लेकिन आमतौर पर किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश को दिया गया तोहफा वापस मांगने का मामला सामने नहीं आया है। उसके पीछे वजह होती है कि गिफ्ट दिए जाते हैं एज अ जेस्चर, लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर जो तोहफा दिया गया था उस तोहफे की कदर नहीं की गई। बात हो रही है थाईलैंड और श्रीलंका की। थाईलैंड ने 2001 में श्रीलंका को एक हाथी बतौर गिफ्ट दिया था कि आप इस हाथी को रखिए, यह हमारी तरफ से आपको तोहफा है। अब इसमें खबर यह है कि 22 साल के बाद उस हाथी को थाईलैंड ने वापस मांग लिया है श्रीलंका से। थाईलैंड ने आखिर क्यों हाथी श्रीलंका से मांगा, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल कहा जा रहा था कि जो हाथी थाईलैंड ने श्रीलंका को दिया था उस हाथी को परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, और जब ये खबर थाईलैंड तक पहुंची तो वहां की सरकार ने या वहां के जो लोग जिन्होंने हाथी को गिफ्ट किया था उन्होंने उस हाथी को वापस मंगा लिया। और माना यह जा रहा है कि 2001 में दिया गया वो हाथी अब जल्द ही थाईलैंड पहुंच सकता है। 22-23 साल पहले 2001 में एक हाथी श्रीलंका को गिफ्ट मिला। सबसे बड़ी बात है कि श्रीलंका को हाथी के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि श्रीलंका वो जगह है जहां पर हाथियों के लिए सबसे पवित्र वो स्थल है। खबर यह आई कि श्रीलंका में हाथी को परेशान किया जा रहा है, उसके शरीर पर कई सारे फोड़े भी देखे गए, इलाज भी किया गया, और अब थाईलैंड ने उस हाथी को वापस मांग लिया है। 29 साल के उस हाथी को श्रीलंका में मुथा राजा और थाईलैंड में साख सुरीन नाम से जाना जाता है। पिछले साल उसे बौद्ध मंदिर से बचाकर निकाला गया था। उस वक्त हाथी के शरीर में कई सारे फोड़े देखे गए थे, उसके पैर में चोट लगी थी, उसे काफी दर्द भी हो रहा था। इसके बाद उसका इलाज किया गया। थाईलैंड भेजने से पहले तक हाथी के फोड़े काफी हद तक ठीक भी हो गए थे। वहीं थाईलैंड में बाकी बचे फोड़ों को ठीक करने के लिए हाथी की अब हाइड्रोथेरेपी की जा रही है। इसे इल्यूशन IL-76 कार्गो विमान पर विशेष रूप से निर्मित विशाल स्टील के पिंजरे के अंदर रखकर थाईलैंड भेजा गया है। हाथी थाईलैंड भेजा जा चुका है और उसके पीछे वजह है कि हाथी की कत्ल नहीं की गई। इस खबर में सबसे मोटी बात यह है कि तोहफे के तौर पर एक हाथी श्रीलंका को दिया जाता है, उस हाथी की कदर नहीं होती, उसको लगातार प्रताड़ित किया जाता है, उसके बाद फिर वो उस हाथी को वापस मांग लेता है, और आज वो हाथी वापस थाईलैंड पहुंच चुका है और वहां पर उसका इलाज अब किया जा रहा है। धन्यवाद।